बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हांडी बनाने की रेसिपी अपने अंदाज में। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो आज मैं आपको सिंपल वे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो हांडी बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चले ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क्योंकि हम ये हांडी जो है वो ग्रेवी में बना के रेडी कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है वो ग्रेवी बना के रेडी कर लेंगे। तो एक पैन में हम तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। जब लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इसे स्टेज पेस्ट में फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज ना हो तो सिंपल आप प्याज को फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी, हमने फ्राई की हुई प्याज तकरीबन भी एक मुट्ठी के करीब ऐड कर दी है और इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद इसके अंदर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए जी, दोनों चीज़ें अच्छे से वेल कम्बाइन हो चुकी हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें 2 अदद टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। यानी कि मैंने 2 अदद टमाटर को अच्छा सा प्यूरी बना के रेडी कर लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तकरीबन भी 1 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और अच्छा सही से मसाला मिक्स कर लेंगे। यानी कि तीनों चीज़ें अच्छे से वेल कम्बाइन कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम भुना कोटा जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और नमक अपने हिसाब से आप जो है वो रख लीजिएगा। मैंने तकरीबन भी 1 टीस्पून ऐड किया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तमाम मसालों को अच्छे से भुनने के लिए, अच्छे से कुक होने के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, वेल कम्बाइन हो चुके हैं। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के इसे अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा और दही का पानी भी साथ ही साथ अच्छे से खुश्क हो जाएगा। जब तक ये अच्छा सा मसाला भुन रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो देखें जी, एक पैन के अंदर हम तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड करेंगे। तेल के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद चिकन का कच्चापन दूर करेंगे और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और लहसुन अदरक के पेस्ट में ये चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पेस्ट में 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये तीन चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, यानी कि चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो दही शामिल करेंगे। तो दही शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो तकरीबन भी 90% तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए जी, दही हमने शामिल कर दी है। तकरीबन भी 1 प्याली के करीब इसमें हमने जो है वो दही शामिल करी है और इसे हम अच्छे से कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए जी, दही का पानी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करने से पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, देख सकते हैं आप, और एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो ये देखें जी, कलर आ चुका है। इसके बाद इसे हम जो है वो साइड पर रख देंगे। चिकन हमारी तकरीबन 95% तक अच्छे से कुक हो चुकी है और ये देखें जी, कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। जितना हमें चाहिए था वैसा ही, उसी तरह का बिल्कुल कलर आ चुका है। तो अब हम इसे साइड पर रखेंगे और अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो ये देखें जी, सालन हमारा अच्छे से भुन चुका है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है वो हमारा सालन भुन चुका है। चम्मच से इस तरह से करेंगे तो ये देखें जी, तमाम जो है वो मसाला अच्छे से वेल कम्बाइन हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है। देख सकते हैं आप, कितनी मज़ेदार सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है। तो ये देखें जी, चम्मच से इस तरह हिला लेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन को अच्छे से फ्राई किया था उसे स्टेज पर चिकन को हम ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। जब तमाम चिकन मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद इसे हम जो है वो ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, तमाम चिकन हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, यानी कि मसाले में चिकन जो है वो अच्छे से वेल कम्बाइन हो चुकी है। ग्रेवी में चिकन अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाएगी तब हम इसे स्टेज पे लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी, हम इसे स्टेज पे इसमें 1 प्याली के करीब जो है वो
फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो बाराई भी ऐड कर सकते हैं या चाहें तो किसी और ब्रांड की भी ऐड कर सकते हैं क्रीम। मैंने यहाँ पे जो है वो ऑल पर्स की ली है हमेशा की तरह। तमाम चीज़ों को अच्छे से वेल कम्बाइन करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम को अच्छे से कुक करने के लिए 2 से 3 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर भी बन गया और एक अच्छी सी जो है वो ग्रेवी भी बन गया। देखिए जी, क्रीम ऐड करने के बाद इसे हमने ढक्कन ढक के अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस फॉर्म में आ चुकी है हमारी चिकन और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बन चुकी है। तो ढक्कन ढक के हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लेंगे, एक अच्छा सा अरोमा, एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आ जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो है वो अदरक, हरी मिर्चें और धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल सिंपल वे में बना के रेडी किया जाता है। जब जो है वो सर्व किया जाता है तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो गार्निश के तौर पर ऐड की जाती हैं। तो देखिए जी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा हमारा जो है वो चिकन हांडी बन के रेडी हो चुकी है, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा झटपट वे में अमेजिंग सी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी पूरी पराठा रोल बनाने की रेसिपी, यानी कि मैं आपको पूरी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा पराठा रोल बनाने की रेसिपी दूंगी, यानी कि आपको चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने की रेसिपी दूंगी, जो कि हम बनाएंगे पूरियों में, यानी कि हम पूरी में ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टिक्का पराठा रोल बनाने की रेसिपी देंगे। तो आप इस रेसिपी को अंत तक लाजमी से देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कॉमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने तकरीबन भी 1/2 kg से थोड़ा सा कम, यानी कि 3 पाव के करीब मैंने जो है वो बोनलेस चिकन ली है, और चिकन के जो है वो छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैंने अब अपने हिसाब से की है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो चिकन के पीसेस कर लिए हैं और मैंने जो है वो बोनलेस चिकन ली है। इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। 1 teaspoon नमक ऐड करेंगे, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 teaspoon भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 tablespoon धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 tablespoon इसमें हम जो है वो टिक्का मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 teaspoon इसमें हम जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है मैंने। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद तकरीबन भी 3 to 4 tablespoon इसमें हमने जो है वो दही शामिल करी है, तकरीबन भी 2 tablespoon इसमें हमने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन भी आधा घंटा के लिए इसे हम रेस्ट दे देंगे। जब तक ये अच्छा सा रेस्ट हो रहा है, इसका अच्छी सी जो है वो मैरिनेशन हो रही है, अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है चिकन के अंदर, तब तक हम एक सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो हमने तकरीबन भी 3 to 4 tablespoon यहाँ पे जो है वो फ्रेश क्रीम ली है। अगर आप चाहें तो मेयोनीज भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रेश क्रीम ली है। और इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 tablespoon करीब इसमें हम जो है वो मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैं अपनी सॉस बना के रेडी करी हूँ, मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा एक दफ़ा। तकरीबन भी 1 tablespoon भर के मैंने यहाँ पे जो है वो क्रीम चीज़ ऐड की है, इसमें तकरीबन भी 1 tablespoon रेड चिली सॉस ऐड किया है, और तकरीबन भी 1 tablespoon ही इसमें हमने जो है वो केचप ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हमारी जो है वो एक बेहतरीन सी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये मेरी अपनी रेसिपी, आप इस रेसिपी से एक बार इस सॉस को ज़रूर से ट्राई करिएगा, और इस जो है वो पराठा रोल में ज़रूर से ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी आपकी जो है वो ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए जी, हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है, और अब हम इसे साइड पर रखेंगे, और अब हम जो है वो चिकन को अच्छा सा कुक कर लेंगे। तकरीबन भी आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम एक जो है वो पैन में तकरीबन भी 4 to 5 tablespoon इसमें हम जो है तेल ऐड कर लेंगे। तेल को अच्छा सा गर्म करेंगे, गर्म तेल के अंदर हम जो है वो इस तरह से चिकन ऐड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट जो है वो इसे इस तरह से ही छोड़ देंगे। जब चिकन जो है वो पानी छोड़ने लगेगी, तो इसे हम अच्छा सा जो है वो चम्मच हिला के अच्छा सा कुक कर लेंगे, तो बेहतरीन सी हमारी जो है वो चिकन कुक हो जाएगी। फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से चिकन जो है वो जल्दी से कुक हो जाती है। तो तकरीबन भी हमारी चिकन जो है वो फुल डन हो चुकी है, और अब हम इसे निकाल के साइड पर रखेंगे, इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो अब हम एक पूरी लेंगे, और पूरी के ऊपर जो हमने सॉस बना के रेडी किया वो इस तरह से जो है वो ऐड कर नरम सी पूरी पूरी सी पूरियों बनाने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, आप आसानी के साथ वहाँ से
से जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने पूरियों के ऊपर जो है वो इस तरह से जो हमने सॉस बना के रेडी की थी वो इस तरह से ऐड की। उसके बाद इसके ऊपर हमने जो है वो चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद मैंने जो है वो प्याज ऐड की। प्याज ऐड करने के बाद हमने जो है वो इसके ऊपर से तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड किया। अगर आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, चाहें तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड की। उसके ऊपर हमने जो है वो केचप ऐड किया। उसके ऊपर जो है वो हमने मेयोनीज ऐड की। उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे हम अच्छे सा जो है वो फोल्ड कर लेंगे और इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो है वो पराठा रोल बना के रेडी कर लेंगे। तो एक एक करके हम तमाम इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए जी, हम एक बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को जो है वो अच्छा सा पहले फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हम पराठा रोल को अच्छा सा फोल्ड करेंगे। तो याद रखिएगा, बटर पेपर को हम एंड में फोल्ड करेंगे, पहले हम जो है वो पराठा रोल को अच्छे से जो है वो फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो है वो, अगर आपका बटर पेपर बड़ा हो तो आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड मत करिएगा, इसे ही अपनी तरफ अंदर से जो है वो फोल्ड कर लीजिएगा, यानी कि पराठे के अंदर नहीं, इसके अपने अंदर ही अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जो है वो पराठा रोल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टाइट तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने कितनी अच्छी तरह से जो है वो इसे फोल्ड कर लिया है। तो हम लास्ट में हम इस तरह से जो है वो अच्छे से इसे अंदर से भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो है पराठा रोल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने जो है वो इसे घर में बना के रेडी किया। तो हम दूसरा भी इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। पहले हम जो है वो इसके ऊपर सॉस ऐड करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम जो है वो चिकन ऐड करेंगे, और इसके ऊपर हम जो है वो प्याज ऐड करेंगे और तमाम सॉसेज वगैरह ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, मैंने जो है वो अपने हिसाब से ऐड किए हैं। तो ये देखिए जी, हमने तमाम जो है वो इसी तरह से पराठे रोल बना के रेडी कर लिए हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। पूरी बनाने की रेसिपी को आप ज़रूर से देखिएगा। मैं दोबारा भी इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नरम सी, बहुत ज़्यादा मुलायम सी, मक्खन जैसी सॉफ्ट सी जो है वो हमारी पूरियाँ बन के रेडी हुई थी। तो मैं आपको लास्ट में भी इसकी जो है वो थिकनेस, इसकी जो है वो सॉफ्टनेस जो है वो चेक करवाती हूँ। तो एक एक करके हमने तमाम इसी तरह से बना के रेडी कर लिए हैं तमाम पराठा रोल। तो ये देखिए जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने नरम, कितने सॉफ्ट से जो है वो पराठा रोल बन के रेडी हुए थे। ये देख सकते हैं आप, कितनी नरम सी जो है वो पूरी बन के रेडी हुई है। तमाम बात जो है वो सारी की सारी जो है वो डिपेंड सिर्फ पूरी पे करती है। जितनी पूरी जो है वो नरम होगी, उतना ही आपका जो है वो पराठा रोल बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बन के रेडी होगा। ये देख सकते हैं आप, कितनी नरम सी, कितनी सॉफ्ट सी जो है वो हमारी पूरी बन के रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा और पूरियों की रेसिपी भी ज़रूर से देखिएगा। और इन दोनों रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपकी रेसिपी कैसी लगी। आज के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलिशियस सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सी, झटपट में मज़ेदार सी बन जाने वाली हैदराबादी दम बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो है वो प्याज फ्राई कर लेंगे। तो प्याज फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो एक पैन में तकरीबन भी एक प्याली से थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म तेल के अंदर जो है वो हम तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इसलिए ज़्यादा प्याज कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो कुछ एंड में भी ऐड करनी है दम लगाने के टाइम, और कुछ जो है वो हमने चिकन मैरिनेट करने के लिए भी ऐड करनी है। तो इसलिए हम इसमें जो है वो ज़्यादा प्याज जो है वो ऐड करते हैं। तो इसलिए हम इसमें जो है वो प्याज ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें जी, प्याज हमारी डार्क सी यानी कि लाइट सा कलर आ चुका है और अच्छी सी जो है वो फ्राई हो चुकी है। और अब हम इन्हें साइड पर रखेंगे फ्लेम ऑफ करके। और अब हम जो है वो चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने जो है वो तकरीबन भी 1 किलो से थोड़ा सा कम ली है, यानी कि 1 किलो के करीब ही मैंने जो है वो चिकन ली है। 2 अदद जो है वो इसके अंदर हम जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड करेंगे। तकरीबन भी 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बराबर इसमें हम जो है वो काली मिर्च साबित वाली ऐड करेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम शाहजीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इवन भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम नमक ऐड करेंगे, या हसबे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है वो
तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब जो है वो फ्राई की हुई प्याज ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। अगर आपके पास जो है वो ये फ्राई प्याज किया हुआ तेल बचे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन भी एक प्याली के करीब जो है वो हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ धनिया ऐड कर देंगे, यानी कि चॉप किया हुआ धनिया ऐड करेंगे, और तकरीबन भी एक अदद जो है वो लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या साबित भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें जो है वो तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं जितने मैंने जो है वो स्पाइसी रखनी है। तो ये देखें जी, तमाम स्पाइस जो है वो जा चुके हैं, और अब हम इसे जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन भी एक घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। चाहे तो 2 से 3 घंटे के लिए भी इसे रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 घंटा ही इसे जो है वो रेस्ट दिया था, इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी बनानी थी। तो अगर आपको रेस्ट दे के बनानी हो, यानी कि थोड़ा सा लेट बनानी हो, तो आप इसे 2 से 3 घंटा के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं। तो ये देखें जी, चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, और अब हम इसे साइड पर रखेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पर जो है वो चावल को बॉईल कर लेना है। तकरीबन भी 1 लीटर पानी को हमने अच्छा सा बॉईल कर लिया, उसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के शाहजीरा ऐड कर देंगे, 1 अदद जो है वो तेज़पात पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, 2 अदद जो है वो छोटे दार चीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे, और तकरीबन भी 7 से 8 इसमें हम जो है वो काली मिर्च के दाने ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पर जो है वो सेला लिए हैं, यानी कि कच्ची जो बासमती राइस होते हैं वो मैंने लिए हैं। तकरीबन भी मैंने जो है वो जितनी चिकन लिए उतने ही मैंने जो है वो चावल लिए, यानी कि 1 किलो से कम ही मैंने चिकन लिए और 1 किलो से कम ही मैंने जो है वो चावल लिए, और चावल मैंने जो है वो सेला लिए। तकरीबन भी 2 घंटा के लिए मैंने अच्छा सा जो है वो भिगो कर रख दिया था, यानी कि कच्ची बासमती राइस जो होते हैं वो मैंने लिए हैं, तो इसे हमने 2 घंटा के लिए अच्छा सा भिगो कर रखा था, और जो है वो इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसे जो है वो 5 मिनट के लिए अच्छा सा बॉईल करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वो ये दम बिरयानी बना के रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे जो है वो ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए जी, हमने तकरीबन भी 5 मिनट अच्छा सा बॉईल कर लिया, तकरीबन भी 50-60% तक अच्छा सा बॉईल कर लिया है, और अब हम इसे जो है वो साइड पर रखेंगे और इसका पानी छान लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम इस चिकन को जो है वो एक पैन में ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, हम इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वो चिकन जो है वो दम वाली बना के रेडी करें, यानी कि हम बिरयानी दम वाली बना के रेडी करें। तो चावल को भी हम जो है वो हाफ डन करेंगे और चिकन जो है वो बिल्कुल कच्ची ही रखेंगे, और सबसे पहले हम एक पैन में जो है वो चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद जो है वो चावल की तह लगा देंगे। चावल की तह लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक साइड से जो है वो चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे, एक साइड से फ्राई किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, एक साइड से जो है वो इसके ऊपर हम जो है वो फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर मैंने जो है वो अच्छा सा इसे जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके ऐड किया है। अगर आपके पास लिक्विड हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो लास्ट में तकरीबन 3 से 4 जो है वो आलू बुखारे लिए थे, तो इसका पानी जो है वो इस तरह से हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो आलू बुखारे हम बीच में इस तरह से करके रख देंगे। उसके बाद लास्ट में हम जो है वो तकरीबन 3-4 टेबल स्पून करीब इसमें हम जो है वो तेल ऐड कर देंगे। इस तरह से चावल जो है वो कीला कीला निखरा निखरा पन के रेडी होगा। तो ये देखिए जी, हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, और अब हम इसे जो है वो दम लगा देंगे। तो याद रखिएगा, दम लगाने के लिए तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल फुल फ्लेम पे अच्छा सा इसे कुक करेंगे। इस तरह से जो है वो नीचे से चिकन अच्छे से जो है वो गलने लगेगी, यानी कि दही और चिकन का पानी अच्छे से खुश्क होने लगेगा। और याद रखिएगा, दम लगाने से पहले जब ये 5 मिनट जो है वो हो जाएं, उसके बाद जो है वो आप नीचे से तवा रख दीजिएगा। उसके बाद तकरीबन भी इसे आप जो है वो 1 घंटा के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे से अच्छा सा कुक कर लीजिएगा। तो ये देखेंगे, तकरीबन भी 1/2 से 1.25 घंटा मैंने जो है वो तकरीबन भी 1.25 घंटे के प्रोसेस में बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया। उसके बाद जो है वो देख सकते हैं आप, हमारी मज़ेदार सी जो है वो दम चिकन बिरयानी हैदराबादी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, हमने जो है वो दम हटाने के बाद जो है वो इसे तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद इसे हमने जो है वो चम्मच हिला के इस तरह से मिक्स किया। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी डिलिशियस सी गर्मा गर्म खुशबूदार धुएंदार हमारी जो है वो मज़ेदार सी हैदराबादी दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डिलिशियस सी, फ्लेवरफुल सी और खुशबूदार, तो इतनी कि पूरा घर जो है वो महक रहा था इसकी खुशबू से। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, बहुत ज़्यादा क्विक वे में मज़ेदार सी हमारी जो है वो हैदराबादी दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट के साथ अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में इस रेसिपी को जरूर से शेयर करिएगा। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा
ज़ाफ़रानी सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस था, बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा मुंह में जाके घुल जाने वाला मज़ेदार सा डिलिशियस सा हलवा बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप लाजमी से फॉलो करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वहीं तो सबसे पहले मैंने जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से, यानी कि मेजरिंग कप के हिसाब से ही मैंने जो है वो एक कप सूजी को अच्छा सा छान लिया है, और इसे हम एक कप दूध में अच्छे से भिगोकर रख देंगे। तो ये देखें जी, एक कप हमने सूजी ली, और सूजी जो है वो हमने बिल्कुल बारीक वाली ली है, दाने वाली ली है। तो इस तरह से आप सूजी लेने के बाद इसके अंदर हम 2 कप के करीब जो है वो दूध ऐड करके इसे अच्छे से भिगोने के लिए रख देंगे। इस तरह का प्रोसेस करके सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी, अच्छे से नरम हो जाएगी। तो जब हम सूजी का हलवा तैयार करेंगे तो सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बहुत ज़्यादा डिलिशियस था, यानी कि मुँह में जाके घुल जाने वाला बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए जी, हमने 2 कप के करीब जो है वो दूध ऐड किया सूजी के अंदर, हमने यानी कि 2 कप दूध ऐड करके इसे अच्छा सा भिगोने के लिए रख दिया। तकरीबन भी हमने इसे तकरीबन आधा घंटा के लिए इसे भिगो कर रखा, यानी कि अच्छा सा फूलने के लिए छोड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा नरम सी और बहुत ज़्यादा अच्छी सी जो है वो फूल गई थी, यानी कि इसका दाना जो है वो अच्छा सा नरम हो गया था, अच्छा सा फूल गया था। तो अब हम इसे साइड पर रखेंगे आधा घंटा के लिए, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। तो एक पैन में हम तकरीबन भी इसी मेजरिंग कप के हिसाब से चीनी लेंगे, यानी कि 1 कप हमने सूजी ली है तो 1 कप ही हमने जो है वो चीनी ली है। चीनी के अंदर हमने 1/2 कप के करीब, यानी कि 4 to 5 टेबल स्पून करीब इसमें हमने जो है वो पानी ऐड किया। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी के अंदर, और चीनी को अच्छा सा जो है वो मिक्स करते जाएंगे, और इसका एक शीरा सा तैयार कर लेंगे। ज़्यादा डार्क सा शीरा नहीं तैयार करेंगे, देख सकते हैं आप, ना ही एक तार का शीरा होगा, सिर्फ एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम भीगी हुई जो है वो सूजी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, हम मुस्तकिल हिलाते जा रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, और तकरीबन भी ये 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई थी, अच्छा सा एक कलर आने लगेगा। तो इस स्टेज पे इसमें हम जो है वो सूजी ऐड कर देखें जी, सूजी कितनी अच्छी सी जो है वो आधे घंटे के अंदर फूल चुकी है दूध में ऐड करने के बाद। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नरम सी एक अच्छा सा दाना बन के आ चुका है। तो सूजी को हम चीनी के पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा जो है वो हिलाते जाएंगे। मुस्तकिल हिलाने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 कप दोबारा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसे हम मुस्तकिल हिलाते जाएंगे, इस तरह से जो है वो सूजी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सूजी अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। तो याद रखिएगा, हम एक ही मेजरिंग कप के हिसाब से जो है वो घी शामिल करेंगे, और एक ही मेजरिंग कप के हिसाब से जो है वो चीनी और सूजी ऐड करेंगे। तो देखिए जी, जब हलवा जो है वो अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो 1 कप भर के जो है वो घी ऐड कर देंगे। घी मैंने जो है वो मेल्ट करके ऐड किया, आप चाहें तो सिंपल भी ऐड कर सकते हैं बगैर मेल्ट किया हुआ। घी ऐड करने के बाद इसे हम मुस्तकिल चम्मच से हिलाते जाएंगे। थोड़ा सा जो है वो मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा हमारा हलवा बन के रेडी होगा। तो ये देखें जी, इसके बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो किशमिश और हरी इलायची 3 से 4, और अपने हिसाब से आप जो है वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने बगैर ड्राई फ्रूट के इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हलवा बना के रेडी किया था। तो ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा करके हमने तकरीबन भी 2.5 कप के करीब जो है वो घी ऐड किया। याद रखिएगा, 1 कप सूजी में, 1 कप चीनी में, तकरीबन भी मैंने जो है वो 2.5 कप के करीब घी ऐड किया है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो ज़ाफ़रान के कुछ धागे ऐड कर देंगे, यानी कि आधा घंटा पहले मैंने जो है वो ज़ाफ़रान के धागे पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिए थे, एक अच्छा सा कलर आ गया, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा महंगे से भी होते हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी बन के आएगा, और एक अच्छा सा जो है वो कलर भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मुस्तकिल हम हिलाते जाएंगे, और ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के होते हैं ज़ाफ़रान के धागे, और जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसके जगह जो है वो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर, एक मखमली का जो है वो फ्लेवर बन के आएगा, बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बहुत ज़्यादा मिठाई जैसा जो है वो फ्लेवर बन के आएगा। तो आप ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो, और अगर आप स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। तो हम अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे, मुस्तकिल जो है वो इसे हम मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके बीच में इसमें हम जो है वो घी ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए जी, हमने जो है वो तकरीबन भी 1/2 कप दोबारा से जो है वो घी ऐड किया है। याद रखिएगा, अगर आप मेल्टेड घी ऐड करेंगे वो अलग फ्लेवर देता है, और अगर आप जो है वो सिंपल घी यानी कि बगैर मेल्टेड घी ऐड करते हैं तो वो अलग फ्लेवर देता है। और अगर आप तेल ऐड करेंगे तो तेल में बिल्कुल भी जो है वो मज़ेदार सा हलवा बन के नहीं रेडी होता। तो याद रखिएगा, हलवा जो है वो हमेशा
घी में बना के रेडी किया करें। अगर आप देसी में बना के रेडी करेंगे, यानी कि देसी घी में बना के रेडी करेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये हलवा बन के रेडी होगा। लेकिन मैं जो है वो इसे नॉर्मल घी में से बना के रेडी कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ऑलरेडी बन के रेडी होगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो लास्ट तकरीबन भी हाफ कप दोबारा से इसमें जो है वो घी ऐड किया। इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। देख सकते हैं आप, कलर आना स्टार्ट हो चुका है हलवे के अंदर। तो हम जो है वो थोड़ा सा लाइट सा पिंकिश सा जो है वो कलर देंगे, एक अच्छा सा ज़ाफरानी कलर आ जाएगा हलवे के अंदर। तो इसका जो है वो कलर चेंज होने लग गया है, देख सकते हैं आप। तो हम लास्ट में जो है वो इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने जो है वो तकरीबन 2.5 कप के करीब घी ऐड कर दिया है, यानी कि परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप मेरी तरह से जो है वो हलवा बना के रेडी करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा डिलिशियस सा जो है वो हलवा बन के रेडी होगा। तकरीबन भी आधे से 1.25 घंटे के प्रोसेस में, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप मज़ेदार सा हलवा बना के रेडी करें, तो तकरीबन भी आपका जो है वो 1.25 घंटे में मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि सूजी के भिगोने से लेकर और सूजी को पकाने तक, यानी कि हलवे को रेडी करने तक, मज़ेदार सा आपका जो है वो 1.5 घंटे के प्रोसेस में मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप, हलवे को डिश आउट करते टाइम और सर्व करते टाइम अगर हलवा जो है वो चम्मच के ऊपर इस तरह से जो है वो लगे और बिल्कुल नरम सी कंसिस्टेंसी में हो, तो याद रखिएगा परफेक्ट कंसिस्टेंसी यही होती है हलवे की, ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी, बिल्कुल मज़ेदार सा नरम सा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा और बहुत ज़्यादा मुँह में जाके घुल जाने वाला मज़ेदार सा डिलिशियस सा हमारा जो है वो सूजी का ज़ाफरानी हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।